स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है सूचना का अधिकार जिसे 2005 में लागू किया गया था, यानी सूचना का अधिकार 2005 की किन्हीं दो प्रावधानों को लिखिए। यानी सूचना के अधिकार 2005 में बहुत सारे बातें कही गई थी, जिनमें से कोई दो बातें आपको बताना है। देखिए, सांसद द्वारा सूचना के अधिकार पर एक कानून पारित किया गया जिसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके दो मुख्य प्रावधान जो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पहला होगा सूचना के अधिकार का उद्देश्य यह है कि प्रशासन में खुलापन हो जाए, पारदर्शिता हो जाए और जवाबदेही लाना चाहते थे, इसके लिए सूचना का अधिकार लागू किया गया। देखिए, आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रशासन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपको लगता है कि मेरे बैंक कर्मचारी हमसे सही से बर्ताव नहीं कर रहे, तो आप इससे यह सवाल कर सकते हैं कि आपका समय कितना देर तक काम करने का है, आपका क्या काम है और आप हमारे पैसे को जमा क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सारे सवाल आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ये अधिकार है और इसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं जो 2005 में लागू किया गया था। तो इस तरह से ये क्यों किया गया था, क्योंकि आप प्रशासन में खुलापन लाया जा सके, प्रशासन अपनी मनमानी नहीं कर सके, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि अगर प्रशासन आपके पुलिस मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी को रोकती है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वह क्यों रोकती है। तो ये मुख्य रूप से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाने की कोशिश के लिए ये कुल जो है इस कानून को लाया गया था। हर नागरिक को लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाओं और विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह व्यक्ति कोई भी आम नागरिक हो या कोई भी, वह यह पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए। तो इस प्रकार से इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने सरकार से, अपने सरकारी कर्मचारियों से ये सवाल पूछ सकते हैं कि वह आपके लिए क्या कार्य कर रहे हैं, और इसे ही हम सूचना का अधिकार कहते हैं। तो यह था आपके सवाल का जवाब, और इसी तरह के सवाल के जवाब आप पा सकते हैं अभी क्लासेस डाउट से। सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।